नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। देखिए भाई, टीसीएस की तरफ से एक मेल देखने को मिल रहा है जहां पर लिखा है कि आपको टीसीएस डिजिटल स्लैश निंजा के लिए इनवाइट किया गया है। चार टाइप के टोटल मेल आ रहे हैं। एक तो ये आपकी स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है डिजिटल स्लैश निंजा, एक में सिर्फ लिखा है टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू, एक में लिखा है टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू, एक में लिखा है टीसीएस निंजा इंटरव्यू। चारों मेल का क्या मतलब होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ भाई। वीडियो बनाने की मुझे नीड नहीं लग रही थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, बट मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग गंद मचा के रखे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो मैंने कहा यार आपको क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें, सारी चीजें मैं आपको एकदम क्लियरली बताने वाला हूँ। देखिए भाई, इस मेल का क्या मतलब है उस पर हम बात करेंगे, प्लस अगर आपको अभी तक मेल रिसीव नहीं किया तो कब तक आपको वेट करना है उस पर बात करेंगे, बेस्ट स्टेटस आ रहा है तो क्या करना है इस पर हम बात करेंगे, और कई लोगों को देखिए इस तरीके से ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है, तो इंटरव्यू क्या सच में ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा इस पर भी हम बात करने वाले हैं भाई। वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ कवर हो जाएगा और कुछ काम की बातें भी करने वाले हैं, ठीक है भाई। देखिए भाई, अगर आपको इस तरह का मेल आ रहा है जहां पर आपको क्लियर कट लिखा है कि यार डिजिटल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया गया है, तो देखिए यहाँ पर चार पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। या तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे, या तो आप अबव एवरेज परफॉर्म करोगे, या तो एवरेज या पुअर परफॉर्म करोगे। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा अच्छा, अगर आप अच्छा भी परफॉर्म कर लेते हो आपका डिजिटल पैकेज कंफर्म्ड है बच्चा, है ना। अगर आप अबव एवरेज परफॉर्म करते हो तो आपको निंजा का ऑफर मिल जाएगा कि बोलेंगे भाई डिजिटल के हिसाब से आपकी कैपेबिलिटीज नहीं है, ठीक है हम आपको निंजा ऑफर दे देते हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस एवरेज है तो वो कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, वो बोलेंगे यार आपको दोबारा से रीचेक करने की जरूरत है, तो आपका एक सेपरेट इंटरव्यू कंडक्ट होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ निंजा प्रोफाइल के लिए होगा। तो अलग बंदा आपका इंटरव्यू लेगा और फिर निंजा के लिए आपका अलग से इंटरव्यू होने वाला है, कुछ दिनों बाद उसकी आपको अपडेट मिल जाएगी। और अगर आपका परफॉर्मेंस एकदम पुअर है भाई, तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया भाई घर जाओ, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है भाई। सेकंड केस क्या है भाई, आपको डायरेक्टली लिखा होगा कि टीसीएस का निंजा का इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो आप कितना ही अच्छा परफॉर्म कर लो डिजिटल तो आपको नहीं मिलने वाला है भाई। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, कट ऑफ क्लियर करोगे, तो निंजा का प्रोफाइल मिल जाएगा। अगर आप बेकार परफॉर्म करोगे तो टीसीएस बोलेगा भाई निकल, पहली फुर्सत में निकल भाई, तो हिंदुस्तानी भाव की तरह आपको निकाल दिया जाएगा। अब आते हैं भाई अपने जो इंपॉर्टेंट मेल है, वो है टीसीएस डिजिटल स्लैश निंजा। देखो भाई, ये मेल मैक्सिमम उन बच्चों को आ रहा है जिन्होंने घर से एग्जाम दिया। अब घर से एग्जाम दिया, आपका कट ऑफ इतना बढ़िया निकल गया कि आपको डिजिटल प्रोफाइल दिया जा सकता है, डिजिटल प्रोफाइल के लिए आपको इनवाइट किया जा सकता है, लेकिन टीसीएस एक बार कंफर्म करना चाह रही है कहीं आपने चीटिंग करके तो इतना अच्छा स्कोर नहीं लेके आए हो, घर से आपने टेलीग्राम चीटिंग तो नहीं की, तो टीसीएस ने ये मेंशन कर दिया कि बेटा आओ हवेली पे, हम चेक करेंगे आपने चीटिंग करी कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, जो दो कोडिंग क्वेश्चंस आपके स्लॉट में आए थे वो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका लॉजिक पूछा जा सकता है, या तो आपसे कोड लिखवाया जा सकता है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने सबमिट किया होगा वो चेक किया जाएगा, उस प्रोग्रामिंग में आपकी पकड़ है कि नहीं उस प्रोग्रामिंग नॉलेज की, और आपको प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं ये चेक किया जाएगा। अगर आप इन सारी चीजों पर खरे उतरते हो भाई, तो आपको डिजिटल का पैकेज दे दिया जाएगा, अदरवाइज निंजा का पैकेज दे दिया जाएगा। तो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में, है ना, इसमें ये वाला जो है जिसमें डिजिटल स्लैश निंजा लिखा है और जिसमें डिजिटल लिखा है, उसमें अंतर ये कि कट ऑफ का अंतर आएगा, ये वाले बच्चे इनका कट ऑफ कम जाएगा, इनका डिजिटल के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये वाला जो मेल है जिसमें डिजिटल स्लैश निंजा है, आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा बेटा, तब जाके डिजिटल ऑफर मिलेगा। अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा परफॉर्म करोगे, तो निंजा का पैकेज मिल जाएगा, डिजिटल का नहीं मिलेगा। एवरेज परफॉर्म करते हो तो भी आपको निकालेंगे नहीं बाहर, आपको एक और मौका देंगे, कुछ दिनों बाद आपके पास फिर निंजा का मेल आएगा कि भाई निंजा के इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है, तो फिर एक सेपरेट इंटरव्यू फिर से होगा आपका, इस बार निंजा प्रोफाइल के लिए। अगर आप इसमें पुअर परफॉर्म करते हो तो टीसीएस बोलेगा बेटा रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, घर निकल जाओ, चलो भाई घर जाओ, रिजेक्ट हो जाओगे। इसी तरीके से एक टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू का आया भाई, यहां तो निंजा डिजिटल किसी के बारे में बात ही नहीं की गई है, तो ये भी मैक्सिमम जिन्होंने घर से एग्जाम दिया उनके लिए होगा, जिनका कट ऑफ डिजिटल के लिए क्रॉस हो गया होगा, लेकिन टीसीएस को एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है कहीं आप चीटिंग से तो मार्क्स लेकर नहीं आए हो। तो यहां भी सेम टू सेम क्राइटेरिया रहेगा, अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो डिजिटल, आपने अच्छा परफॉर्म किया तो निंजा, अगर आपने एवरेज परफॉर्म किया तो डायरेक्टली निंजा नहीं देंगे, आपको पहले एक सेपरेट मेल आएगा कि आपका निंजा का अलग से इंटरव्यू हो रहा है, फिर उस इंटरव्यू के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। और अगर पुअर परफॉर्म किया तो आपसे बोला जाएगा भाई भाग भाग डीके बोस,
चलो भाई निकलो, घर जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है भाई, तो चारों चीजों पर हमने डिस्कशन कर लिया। इतने डिटेल में अगर आपको किसी ने बताया हो भाई तो बात अलग है, नहीं बताया हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर डाल देना। जब आप बोलते हो कि भैया आपकी वीडियो का वेट है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं और अपडेट्स की वीडियो लेकर आऊंगा। अब जिन बच्चों को मेल नहीं रिसीव हुआ है भाई, आपको 31 अक्टूबर तक वेट करना है भाई। 31 अक्टूबर 2022 तक मेल आते रहेंगे भाई, बैच बाय बैच, स्लॉट बाय स्लॉट। तो आपको 31 अक्टूबर तक का वेट करना, अगर तब भी नहीं मेल आता है तो कंसीडर योरसेल्फ एज रिजेक्टेड। ठीक है, लेकिन आपके सारे दोस्तों को आ गया, आपको भी नहीं आया तो भी नहीं भाई, कैसे भी स्लॉट डिसाइड हो जाता है, रैंडमाइज मैनर में हो जाता है। मेल हो सकता है आपको भेजा हो, आप तक पहुंचाना हो, तो दोबारा से एक बार रीशूट भी करते हैं मेल जिनको रिजेक्ट हो गया हो। तो 31 अक्टूबर तक आपको वेट करना है भाई। उसके अलावा बैच स्टेटस दिखा रहा है कुछ लोगों को, है ना, कुछ लोगों को इस तरीके से ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है भाई। इन सब पे किसी पे भी ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल अपना खोल के भी मत देखो, मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप बिलीव करो मेल पर। सारी डिटेल आपको मेल पर प्रोवाइड की जाएंगी। मेल पर इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आई है, तो अभी कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला, कोई ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं होने वाला। आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाना, आपको इस तरीके का हॉल टिकट दिखेगा, है ना, उसमें ऑप्शन आता है आई कंफर्म माय अवेलेबिलिटी फॉर सेफर साइट, क्लिक कर देना। कोई टेंशन नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नहीं भी क्लिक करते हो कोई टेंशन नहीं है भाई, इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ना। बेस्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कई लोगों को बेस्ट नहीं दिखेगा तो भी मेल आ जाएगा, कई लोगों को बेस्ट दिखेगा तो भी मेल नहीं आएगा, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको भरोसा करना है मेल का। तो मेल नहीं आया तो वेट करिए, मेल आ गया है तो अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। तो काम की बात मैं आपको बताता हूं भाई, अगर आपको मेल आ चुका है तो चुपचाप से अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 24 घंटे पहले ही तुमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई। मान लो कल इंटरव्यू है तो आज इन्फॉर्मेशन मिलेगी, परसों इंटरव्यू तो कल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो तैयारी का समय नहीं मिलेगा। तो मेल आ गया तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, अपना सेटअप वेटअप सब रेडी रखो, फॉर्मल वॉर्मल कपड़े सब प्रेस करके रेडी रखो। अगर मेल नहीं आया है राइट, तो मेल का वेट करो, इंटरव्यू की तैयारी साथ में करो, क्योंकि हो सकता है मेल के तुरंत अगले दिन आपको इंटरव्यू का भी मेल आ जाए, राइट। तो रिजल्ट की मेल के साथ इंटरव्यू का भी मेल आ जाए। तो मेल नहीं आया है अगर आपको, तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है मेल का वेट करते हुए, साथ में बैकअप ऑप्शन के लिए भाई आप और जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो, और जो आगे कंपनीज आने वाली है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस उसमें अप्लाई कर सकते हो और जॉब्स ढूंढ सकते हो, ताकि इन केस अगर मेल सच में नहीं आता 31 अक्टूबर तक तो वी हैव दिस बैकअप जॉब विद अस, राइट। तो मेक श्योर अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, इन सब चीजों में अपना समय ना जाया करें। मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप अपडेट ग्रुप बना दिया है, जहां पर टीसीएस की मैं सारी अपडेट प्रोवाइड करता जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ग्रुप है, वीडियो एंड होने के बाद उसको ज्वाइन कर लेना। इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, 21 सितंबर से हम लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें आपको टीसीएस के अभी तक ब्रांच वाइज जितने भी टेक्निकल और एचआर क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। पर्सनलाइज वन ऑन वन आपका मैं मॉक इंटरव्यू लूंगा, टेक्निकल एचआर इंटरव्यू लूंगा, फिर फीडबैक कॉल लूंगा। ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट का इंटरव्यू, इट विल बी अ प्रॉपर इंटरव्यू, राइट। उसके बाद आपका वन ऑन वन में रेज्यूम भी देखूंगा, बताऊंगा कि आपका रेज्यूम अच्छा है कि नहीं है। टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू की प्रिपरेशन और रेज्यूम बिल्डिंग की भी आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। 12 पैरामीटर्स पर आपका रेज्यूम जज किया जाता है, पूरे 12 पैरामीटर्स पर मैंने बात की हुई है। तो मेक श्योर भाई इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। कोर्स की प्राइस जो है बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, तो मेक श्योर आप अभी ले लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अगले 8 दिन के इंटरव्यू स्लॉट्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, तो मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तुरंत एनरोल करके अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू निकल जाए और आपको स्लॉट ही ना मिले। दिन के 12-12, 13-13 मॉक इंटरव्यूज में ले रहा हूं, तो मेक श्योर इसको मिस आउट मत करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जो भी अपडेट आएगी। थोड़ा लेट वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन सारी जानकारी जानने के बाद फेक वीडियो कोई भी अपलोड नहीं करता, डिटेल वीडियो अपलोड करता हूं, सारी चीजें आपको डिटेल में प्रोवाइड करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।